कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति में लोग नए नए तरीकों से आहतों को राहत प्रदान करने में जुटा है। ऐसे में बाड़मेर में शहर की सरकार ने शहर के गली कूचों में मैले और गंदगी से सरोबार मानसिक विषक्त लोगों को नहलाने के साथ नए कपड़े पहनाने का कार्य किया। बरसों से खुद को बड़े बाल और बढ़ी दाढ़ी मूछ में देखने वाले मानसिक विषक्त भी खुद के बदले रूप को देखकर खुश नजर आए। एक रिपोर्ट। 38 दिन से लॉकडाउन में सन्नाटे और सूनी सड़कों के माहौल को देखने वाली बाड़मेर शहर में शहर की सरकार ने बुधवार को एक नवाचार किया। शहर की सरकार के कारिंदों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में बरसों से गंदगी और मैले से सरोबार मानसिक विक्षिप्त लोगों को बाल और दाढ़ी काटी गई, इनको नहलाया गया और नए नए कपड़े पहनाए गए। बाड़मेर शहर में नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन प्रजापत के नेतृत्व में स्टेशन रोड, अहिंसा सर्किल, राजकीय अस्पताल के सामने, बस स्टैंड और अलग अलग जगहों पर 50 से ज्यादा मानसिक विक्षिप्त लोगों को साफ सफाई का पाठ अनूठे तरीके से पढ़ाया गया। बाड़मेर शहर के विभिन्न गली मोहल्लों और गलियों ने बरसों से खुद को बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी मूछ में देखने वाले मानसिक विक्षिप्त भी खुद के बदले रूप को देख कर खुश नजर आए। इस अनूठे नवाचार को लेकर बाड़मेर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन प्रजापत ने बताया कि शहर में कुछ दिनों से मानसिक विक्षिप्तों की साफ सफाई को लेकर मानस बनाया जा रहा था, जिसे बुधवार को धरातल पर उतारा गया। जगह जगह क्या है कि भिखारी बैठे हैं, कम से कम 30 से 35 भिखारी है जो क्या है कि बेघर है और उनके खाने पीने की व्यवस्था नगर परिषद रेगुलर कर ही रही है। भामा साहब के सहयोग से हमारी ये गाड़ी लगी हुई है, अशोक जी आरोही साहब है जो सुबह शाम दोनों टाइम देते हैं, उसके अलावा और भी संस्थाएँ हैं, उनकी खाने की व्यवस्था कर रही है। परंतु क्या है कि पिछले 1.5 महीने से करीब लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक बार भी स्नान नहीं किया है, ऐसी हालात है, गंदगी है और बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सुबह मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इनका उत्थान किया जाए। तो सुबह क्या है कि आश्रय स्थल पड़ता है हमारा यहाँ पे, तो आश्रय स्थल में एक दो भिखारियों को लेकर के मैंने स्नान करवाया, एक दो की कटिंग करवाई। यहाँ पे हमने अशोक जी सीधा है उनसे सहयोग लेकर ये नाई जी आए इनके सहयोग से, और उसके बाद में ये क्या है कि लोग वहाँ पे चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उसके बाद में यहाँ जा बैठे थे उसी स्थिति में हमने बाल्टी पाने की, मेरे पास मेरे साथ 3 कर्मचारी हमारे खुद के आदि हैं। ये विक्षिप्त है, मानसिक मंदिर है, तो आप इन्हें इकट्ठा करके ले जा सकते हैं, इनकी राय थोड़ी चाहिए नहीं राय नहीं, परंतु वो वहाँ पे भी तो नहीं रहेंगे ना। बात ये जो जहाँ का आदि होता है वहीं रहता है, ये कई वर्षों से यहीं बैठे हैं इसके नीचे, लेकिन वहाँ पे तो सेंटर बंद रखा है, सारा ट्विटर वगैरह है, सब कुछ केयर टेकर वगैरह है, एक बार पहल तो अगर ऐसा है तो हम पहल करते हैं। असल में काम है ये है मेरा, और जैसे गरीब लोग काफ़ी हैं, वो एक लॉकडाउन के बारे में तो मैंने 2 महीने से स्नान नहीं करे थे, उनके बाल वगैरह बड़े हुए थे, तो मैंने मान्यताओं के हिसाब से उनका हेयर कट वगैरह किया। बुधवार को शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में जब यह अभियान चला तो लोग टकटकी लगाई इस सुखद नजारे को देखते नजर आए। शहर के भामाशाह मुकेश जैन ने इन मानसिक विक्षिप्तों के लिए नए कपड़ों की व्यवस्था की, तो जीतू गोयल ने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी। शहर में बीते कई दिनों से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही शहर की सरकार का बुधवार को नजर आया नजारा यकीनन फील गुड करने वाला नजर आया।